हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए सोजो DYSP डॉक्टर हेमंत कुमार स्वयं कर रहे मॉनिटरिंग। सर्दी के मौसम में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए पुलिस विभाग सोजो द्वारा लोगों से बार बार समझाइश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, बिना मास्क लगाए घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि जो भी कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं उनमें से अधिकांश बिना लक्षणों के हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति दिख रहा है वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। इसलिए क्षेत्र को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए समझाइश भी चल रही है और जिन लोगों की क्षमता मास्क खरीदने की नहीं है उनको सोजो DYSP डॉक्टर हेमंत कुमार के मार्गदर्शन से मास्क भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग मास्क अपनी जेब में रख करके मार्केट में या सड़कों पर घूम रहे हैं उनके साथ सख्ती से पेश आया जा रहा है और उनका चालान काटा जा रहा है। सोजो DYSP डॉक्टर हेमंत कुमार ने बताया कि कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से सोजत सर्कल को कोरोना के संक्रमण के खतरे में डालने नहीं देंगे। इसलिए आज सोजत कस्बे में वृत्त अधिकारी डॉक्टर हेमंत कुमार के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर मोहन सिंह पुलिस थाना सोजत सिटी और थाना हाजा के कब्जे के साथ सोजत शहर के सभी क्षेत्रों में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, मास्क पहनने के लिए समझाया गया और जो लोग COVID-19 की गाइडलाइन जो सरकार ने जारी की है उसका उल्लंघन करने वाले लगभग 54 लोगों के चालान भी बनाए गए। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए आगामी दिनों में भी सोजत सर्कल में पुलिस विभाग के द्वारा सख्ती से पालना करवाई जाएगी। इसीलिए सभी से निवेदन है कि जो सहयोग सोजत की जनता ने लॉकडाउन और अनलॉक के दौरान पुलिस और प्रशासन को दिया वैसा ही सहयोग अभी भी बनाए रखें, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है, अभी कोरोना से जंग जारी है। इसलिए सहयोग बनाए रखें जिससे कि हमारा क्षेत्र कोरोना जैसी भयानक महामारी से बचा रहे। जागरूक टीवी के लिए सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।